आज हम बनाएंगे अप्पे जो कि बेहद आपको पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि आखिर हमने अप्पे बनाए कैसे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बाउल ले लिया है अप्पे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सूजी डाल दूंगी एक कटोरी, और जिस कटोरी से सूजी लिया है ना उसी कटोरी से दही डालूंगी आधी कटोरी। दही से क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छे अप्पे लगते हैं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है। तो मैंने दही को भी डाल दिया है। अब हम सूजी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छा से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो हम अभी पानी कम ही डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधी कटोरी पानी लिया है, तो आधा डाल देती हूँ और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी डाल के, और अभी गाढ़ा है तो हम क्या करेंगे, जो पानी बचा है उसे भी हम डाल देते हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने पानी डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो क्या करते हैं, ढक के रख देते हैं साइड में, तब तक ले हम दूसरा काम कर लेंगे। जब तक ले हम मूंगफली की चटनी बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पैन के अंदर मैंने मूंगफली डाल दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमको अच्छे से भून लेना है मूंगफली को, तो हमको कराड़ी कर लेना है तभी हमारा अच्छे से चटनी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से भून के तैयार कर लिया है, ये फूट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और पैन को हम नीचे उतार लेंगे इसे ठंडा होने। यहाँ पर देखिए मैंने मूंगफली का छिलका उतार लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, और साथ ही में नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी जार के अंदर हम पीस लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने चटनी पीस के तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसमें पानी डाल के और पतला कर सकते हैं, आपको अगर चटनी पतला पसंद है, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि इतना ही मुझे गाढ़ा पसंद है चटनी। चटनी के अंदर हम एक तड़का लगा देते हैं, उसके लिए यहाँ पर पैन रख दिया गैस पर, उसमें सरसों और कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मूंगफली जो पीस के रखा है ना वो डाल देते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, नारियल की चटनी बनाना या मूंगफली की चटनी बनाना। तो यहाँ पर हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे, ज़्यादा हमें पकाना वकाना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये हो गया है। अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कटोरी के अंदर। ये चटनी फाइनली हमारा बन के तैयार हो गया है, ये खाने के लिए रेडी है। यहाँ पर सूजी को रेस्ट होते हुए 15 से 20 मिनट हो गया है, सूजी बहुत बढ़िया से फूल चुका है। अब हम क्या करेंगे, सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो अपने मन पसंद से सब्जी ऐड कर सकते हैं, आपको जो सब्जी पसंद है, आपके पास जो सब्जी अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक प्याज बारीक टुकड़ों में कट करके डाल दिया है, और एक टमाटर भी बारीक टुकड़ों में कट करके डाल दिया है यहाँ पर एक, और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च भी बारीक टुकड़ों में कट करके डाला है, और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। और धनिया पत्ता से क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा लगता है अप्पे, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पर हमको इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स एक बार अप्पे बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपका अप्पे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। पहली बार बनाएंगे तो अप्पे बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है नमक स्वाद अनुसार, साथ ही मैंने ऐड कर दिया है कलर के लिए हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। अब हम क्या करेंगे, पानी भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन सारी चीज़ों को। तो पानी कम ही लगेगा इसलिए हम कम ही पानी डालेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि और लग सकता है कि नहीं। तो थोड़ा सा पानी और हम ऐड कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत गाढ़ा है, ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर, यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे खाने वाला सोडा। इससे क्या होगा ना कि बहुत ही फूला फूला सा स्पंजी हमारा अप्पे बन के तैयार होंगे। तो ज़रूर से डालिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये बनके तैयार हो गया है पेस्ट अप्पे के लिए। लेकिन एक चीज़ और हमको डालना है, पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पेस्ट के अंदर गुनगुना ऑयल ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना, एकदम क्रिस्पी बनके तैयार होगा अप्पे। तो गुनगुना ऑयल ज़रूर से ऐड कीजिए, 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। तो अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल को। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनाकर तैयार करेंगे अप्पे तो आपका अप्पे बिल्कुल ही ख़राब नहीं होगा, एकदम टेस्टी बनके तैयार होगा। तो इस तरीके से बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। तो देखिए फाइनली अच्छे से ये मिक्स हो गया है और ये अप्पे बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और अप्पे बनाते हैं, एकदम सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे अप्पे।
यहाँ पर देखिए मैंने मोल्ड वाला पेन रख दिया है गैस पर, गैस को ऑन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे बूंदे बूंदे करके हर मोल्ड के अंदर और गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सरसों के दाने हर मोल्ड के अंदर डाल देंगे और अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने हर मोल्ड के अंदर सरसों के दाने डाल दिया है और बहुत बढ़िया से चटक गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सूजी वाला ये पेस्ट है ना वो डाल देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच ही डालेंगे फ्रेंड्स। देखिए हर मोल्ड के अंदर डाल देते हैं इसी तरीके से, और बहुत ही आसान तरीका है अप्पे बनाना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने हर मोल्ड के अंदर सूजी वाला पेस्ट डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे कि डेढ़ मिनट तक ढक देंगे। डेढ़ मिनट से दो मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो आपको मिलते हैं दो मिनट के बाद। यहाँ पर एक से डेढ़ मिनट बीत चुका है अप्पे फ्राई होते हुए। अब हम चेक करके पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा से एक तरफ फ्राई हो गया है। तो अब हम पलट लेते हैं। तो ऐसे ही हम सारे पलट लेंगे, बहुत ही आसान तरीका है अप्पे बनाना। तो एक तरफ से बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हम दूसरी तरफ भी अच्छे से इस तरीके से पलट के फ्राई करेंगे। तो सारे को पलट लेते हैं अभी। तो अप्पे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। घर के सामान से ही अप्पे बन जाता है, आपको हर सामान किचन के अंदर ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे अप्पे पलट लिया है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर देंगे, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा बस बूंदे बूंदे डाल देंगे हर मोल्ड के अंदर, ताकि दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पर अब हम ढकेंगे नहीं, ऐसे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे तो अच्छे से क्रिस्पी और हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऐसे ही फ्राई होने देते हैं, एक से डेढ़ मिनट तक और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पर एक बार और हम पलट लेंगे, क्योंकि अच्छे से फ्राई कर लेना है अलटते पलटते हुए। और आप भी घर पर अप्पे बहुत ही आसानी से बना के खा सकते हैं और अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा से फ्राई हो गया है अप्पे, अब हम निकाल लेते हैं और जो सेकंड बैच है ना उससे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अप्पे, एकदम टेस्टी बनके तैयार हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने सारे अप्पे फ्राई कर लिया है। तो देखिए कितना यमी और कितना डिलीशियस हमारे अप्पे दिख रहा है, और जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में टेस्टी है। और बनाना तो बहुत ही आसान है, घर के सामान से बन के तैयार होता है। बहुत ही फूला फूला, बहुत ही स्पंजी अप्पे बना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम इंजॉय करेंगे चटनी के साथ में। तो एक तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का टेक्सचर, देखिए कितना डिलीशियस बनके तैयार हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। जरा सा अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।